पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ राष्ट्रगान के अपमान को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। मुंबई के एक बीजेपी नेता ने पुलिस से शिकायत करते हुए यह आरोप लगाया है कि सीएम बनर्जी ने राष्ट्रगान को बैठ कर गाया, जो कि उसका अपमान है। शिकायत में आगे कहा गया है कि ममता राष्ट्रगान थोड़ा सा गाने के बाद रुक जाती है। सीएम ममता बनर्जी इन दिनों मुंबई के दौरे पर हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक ने दुनिया को चिंता में डाल दिया है। अमेरिका में भी ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया है। यहां कैलिफोर्निया में पहला केस मिला है। ये शख्स कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बावजूद संक्रमित हुआ है। हालांकि उसमें हल्के लक्षण हैं और वो अब ठीक हो रहा है। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक भी केस सामने नहीं आया है। विपक्ष के 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे को लेकर शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी राज्यसभा में हंगामे के आसार हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने रुख पर कायम है। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच राजनीति से इतर अब कोरोना वायरस महामारी पर भी टकराव का मामला सामने आया है। दरअसल जहां केंद्र सरकार ने हाल ही में कुछ गाइडलाइंस जारी कर राज्यों को कोरोना को रोकने के लिए तरीके बताए थे, वहीं महाराष्ट्र सरकार ने इस गाइडलाइंस से एक कदम आगे जाते हुए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कुछ और नियम लागू कर दिए हैं। इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। गुजरात के गिर सोमनाथ में देर रात बारिश और तेज रफ्तार हवाओं के चलते 13 से 15 नावों के समुद्र में डूबने की खबर है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 10 से 15 मछुआरे लापता हो गए हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के करीब 40,000 बैंक कर्मी 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल पर रहेंगे। इससे प्रदेश की 7,000 ब्रांचों में दो दिन तक ताले लटके रहेंगे। भोपाल में 300 ब्रांच हैं, 5,000 बैंक कर्मी इस हड़ताल में शामिल रहेंगे। देशव्यापी हड़ताल में मध्य प्रदेश के सभी बैंकों के अधिकारी कर्मचारी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साइन के बाद आखिरकार बुधवार को तीनों कृषि कानून रद्द हो गए हैं। इन कानूनों की वापसी के लिए लाया गया बिल सोमवार को लोकसभा के शीतकालीन सत्र में 4 मिनट के अंदर ही पास हो गया था। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में चक्रवाती तूफान जवाद का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार सुबह तक आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटवर्ती इलाकों में चक्रवाती तूफान जवाद दस्तक दे सकता है। इस बीच मौसम विभाग ने 3 दिसंबर से ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। देश के कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी होने की संभावना है। यह जानकारी मौसम विज्ञान विभाग ने दी है। शेयर बाजार आज लगातार दूसरे दिन बढ़त पर है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का सेंसेक्स 97 पॉइंट तेजी के साथ 57,781 पर खुला था। इस समय ये 233 अंकों की बढ़त के साथ 57,899 पर कारोबार कर रहा है। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।